वेलकम टू एम के एच, आई एम स्नेहा सिंघाटिया। चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों की। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य वृक्ष की। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, देखिए यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष है वो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, इसी के साथ जो राज्य पुष्प है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प यानी फूल जो है वो है रोहिड़ा। ठीक है, तो रोहिड़ा जो पुष्प है वो हमारे राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हमारे याद हो जाती हैं, अगर हम वृक्ष की बात करें या फिर हम पुष्प की बात करें यानी फ्लावर की बात करें, या फिर हम जो है वृक्ष की, पेड़ की, प्लांट की बात करें, तो वो हमारा राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा? जी, राज्य वृक्ष हो जाएगा हमारा खेजड़ी और राज्य पुष्प हमारा हो जाएगा रोहिड़ा। दोनों को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्य पशु की, तो हम जानते हैं हमारा राज्य पशु है ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, और 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राज्य पशु है कौन? ऊँट। राज्य पशु है हमारा ऊँट, जिसे राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया था, लेकिन 30 जून 2014 में दिया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 23 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। और भारत में सर्वाधिक ऊँट जो है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इसकी जो अधिसूचना है ये 23 सितंबर 2014 को जारी की गई थी, वैसे इसको दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। तो 2014 का हमें याद रखना है। अगली बात राज्य पक्षी की अगर हम करें, तो राज्य पक्षी हमारा है गोडावन। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1981 में घोषित किया गया था राज्य पक्षी। पुष्प और वृक्ष हमारे 1983 में घोषित किए गए थे, ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। राज्य खेल की अगर हम बात करें, तो हमारा राज्य खेल जो है वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल है। ये थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है लोगों को कि राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल है, जिसे 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया था। और अगर हम राजस्थान राज्य की राजभाषा की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इसे मारवाड़ी, राजस्थानी या इस तरह की भाषाएँ सोचने लगते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है जी, तो राजस्थान राज्य की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और अगर हम राजस्थान राज्य की लोकवाद्य की बात करें, लोकवाद्य हमारा है अलगोजा। और राज्य की जो राजधानी है, देखिए यहाँ पर राज्य की जो राजधानी है वो है हमारी जयपुर पिंक सिटी। और राज्य नृत्य की अगर हम बात करें, नृत्यों का सिरमौर जिसे कहा जाता है, मतलब एक तरह से हम कहें कि जो हमारा सबसे उच्चतम श्रेणी का, या ये हम कहें कि सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर जिसे हम कहेंगे, तो वो हमारा है घूमर नृत्य। राज्य का जो नृत्य है, राज नृत्य हमारा, राज्य नृत्य वो है हमारा घूमर। ठीक है जी, राज्य गीत की अगर हम बात करें, तो राज्य गीत है हमारा केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। तो ये हमारा राज्य गीत है। और अगर हम राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राज्य के शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो कथक नृत्य हमारे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए राज्य का नृत्य तो हमारा घूमर नृत्य, राज्य नृत्य तो घूमर है, लेकिन राज्य का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो हमारा कथक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़ होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात आती है तो वो हमारा कथक नृत्य है, और अगर नॉर्मल नृत्य की बात आती है तो वो हमारा राज्य नृत्य घूमर हो जाएगा। राज्य कवि, हमारे राजस्थान के राज्य कवि रहे हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण को राज्य कवि कहा जाता है। और राजस्थान दिवस हम जानते हैं कि कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं जी, राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी, राज्य पुष्प हमारा रोहिड़ा, दोनों को 31 अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया। राज्य पशु हमारा ऊँट, जिसे 2014 में 30 जून को तो पशु, राज्य पशु का दर्जा दिया गया, और इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 23 सितंबर को। और राज्य पक्षी हमारा गोडावन 1981 में घोषित किया गया। राज्य खेल हमारा 1948 में घोषित किया गया। बास्केटबॉल, राज्य की राजभाषा हिंदी, लोकवाद हमारा है अलगोजा, राज्य की राजधानी जयपुर है, और राज्य का नृत्य घूमर नृत्य है। राज्य गीत जो है हमारा केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। और राज्य का शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक नृत्य। राज्य कवि है हमारे सूर्यमल मिश्रण। और राजस्थान दिवस है हमारा 30 मार्च। तो राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह हमने यहाँ पर पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।